अच्छा इस चीज को समझिए कि दुनिया में कई देश और वहां के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में है, बिल्कुल है, बल्कि यहां तक कि हमास के हक के लिए सड़कों पर भी दुनिया में कई देश हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं, कई लोग। अच्छा भारत में भी हमास से हमदर्दी रखने वाले कई लोग हैं, लेकिन हमास के आतंकवादी का लाइव संबोधन, हमास के आतंकवादी का लाइव संबोधन शायद ही भारत के अलावा किसी और देश में हुआ हो, मतलब 200 से ज्यादा देश है, शायद नहीं हुआ, मतलब यहां तक कि मुस्लिम देशों में भी, जो शायद संभवतः गाजा फिलिस्तीन कई मुस्लिम देश जो शायद हमास से भी हमदर्दी रख रहे हो, मुस्लिम देशों में भी हमास का आतंकी वहां की जनता को इस तरह से लाइव संबोधन नहीं उसका हुआ होगा जो केरल में हुआ, जो आपके देश में हुआ, जो हमारे देश में हुआ, केरल में हुआ। मतलब इसराइल में 1400 से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार करने वाले हमास के आतंकी को ऐसा रेड कार्पेट वेलकम शायद भारत के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। टू मच ऑफ डेमोक्रेसी है ना हमारे यहां, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आतंकवादियों का भी संबोधन हो जाता है, और इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आसपास भी हमास है। हम लगातार ये डर जाहिर कर रहे थे कि हमास के निशाने पर सिर्फ इसराइल नहीं है, अपने हमदर्दों के कंधों पर सवार होकर हमास हिंदुस्तान में एंट्री का इंतजार कर रहा है, और हमास के स्लीपर सेल वाले सपोलों का, मैं फिर से बोलूंगा कई लोगों को बुरा लगेगा, हमास के स्लीपर सेल वाले सपोलों का हमारा डर सही साबित हुआ। पंजाब जम्मू कश्मीर और नक्सली हमलों को छोड़ दें तो दिसंबर 2014 के बाद भारत के किसी शहर में पहली बार कोई आतंकवाद की घटना हुई है, पहली बार 2014 की बात से। अब इस घटना का हमास से भले ही अभी तक कोई सीधा लिंक स्थापित नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हो ये नहीं है कि हो सकता आगे भी ना हो, हमें नहीं पता, अभी तक नहीं है। क्या हुआ दरअसल 27 अक्टूबर को, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत की आस्तीन में हमास के सांप, क्यों कह रहे हैं हम सुनिए। 27 अक्टूबर को केरल के मल्लापुरम में, जहां की 70% आबादी मुसलमान है, वहां फिलिस्तीन के समर्थन और यहूदियों और हिंदुत्व के विरोध में एक रैली होती है, ठीक, चीफ गेस्ट कौन होता है रैली में, चीफ गेस्ट बनता है हमास के सबसे बड़े आतंकवादियों में से एक, हमास का फाउंडर मेंबर चीफ रहा खालिद मशाल। ये भारत में हमास की मशाल उठाने वाले कई लोग हैं, इसका नाम है खालिद मशाल। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमाते इस्लामी की यूथ विंग सॉलिडेरिटी यूथ मूवमेंट द्वारा आयोजित की गई इस इजराइल और हिंदुत्व विरोधी रैली को संबोधित करता है। आतंकवादी हमारे देश की जनता को संबोधित करता है। दो दिन बाद 27 अक्टूबर को संबोधन, 29 अक्टूबर को केरल के अरनाकुलम के कलमसेरी में यहोवा ईसाई समुदाय की एक प्रार्थना सभा में सुबह 9:30 बजे के आसपास आईईडी के जरिए एक के बाद एक 3 बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते, एक 12 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो जाती। 27 को संबोधन, 29 को धमाका। केरल पुलिस को शक है कि इन धमाकों को डोमिनिक मार्टिन, चेहरा आपके सामने, डोमिनिक मार्टिन नाम के एक व्यक्ति ने अंजाम दिया। वो खुद यहोवा ईसाई समुदाय का सदस्य है। इस व्यक्ति ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इन धमाकों की जिम्मेदारी ली और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। डोमिनिक मार्टिन का दावा है कि वो खुद यहोवा विटनेस समुदाय से पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि समुदाय की शिक्षाएं राष्ट्र विरोधी हैं, इसलिए उसने ब्लास्ट कर दिया। ये इसकी कहानी है जिसकी इसके वर्जन की अभी जांच हो रही है। बड़ी बात यह कि डोमिनिक मार्टिन के बारे में कहा जा रहा है कि वो लंबे अरसे से दुबई में था
जहां वो एक इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता था। वो कुछ दिन पहले ही दुबई से केरल लौटा और फिर उसने कथित तौर पर इन धमाकों को अंजाम दे दिया। हैरानी जानते हैं किस चीज की है? हैरानी इस बात की है कि जिस दिन केरल का अरनाकुलम करीब 8 साल बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब के बाहर किसी आतंकवादी धमाके को झेलने वाला भारत का पहला शहर बना, उस दिन केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन कहां पे? सोचिए, स्टेट के सीएम, देश की राजधानी दिल्ली में फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। उनके दिल्ली आने से पहले उनके राज्य के ही मल्लापुरम में पहले फिलिस्तीन के समर्थन और इसराइल और हिंदुत्व के विरोध में एक बड़ी रैली होती है। उसमें हजारों लोग शामिल होते हैं और संबोधित करता है आतंकवादी हमास का बड़ा कमांडर, हमास का पूर्व चीफ खालिद मशाल। और उनके दिल्ली आने के बाद मल्लापुरम से 163 किलोमीटर दूर अरनाकुलम के एक कन्वेंशन सेंटर में यहोवा विटनेस ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा में ब्लास्ट हो जाता है। लिंक है या नहीं है, फिर से हम स्पष्ट कर दें, मल्लापुरम की रैली में हमास आतंकवादी के शामिल होने और अरनाकुलम में हुए बम धमाकों का अभी तक कोई कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाया। अभी तक पहली नजर में ये मामले दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जिम्मेदारी जिस शख्स की तरफ से ली गई है, हालांकि उसके दावों की भी जांच हो रही है अभी। लेकिन भारत का एक राज्य जिस पर अक्सर कट्टर इस्लामिक ताकतों को जमीन मुहैया कराने के आरोप लगते हैं, वहां 2 दिन के अंतराल में एक के बाद एक दो घटनाएं ऐसी होती हैं जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालती है। सवाल तो उठेंगे, और ये सवाल हम नहीं बल्कि बीजेपी उठा रही है। केरल धमाकों की पीड़ितों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दोनों ने केरल में बढ़ती कट्टरता और रैली में हमास के आतंक, आप सोचिए एक बार को, कल्पना करिए, आतंकवादी को मंच देना क्या है ये? हमारे भारत में एक रैली होती है एक स्टेट में, वहां हमास का आतंकवादी जुड़ता है जिसने 1400 यहूदियों का नरसंहार किया, बच्चों का सरकलम किया, महिलाओं को मारा काटा, उसको हमारे रेड कार्पेट वेलकम, उसका संबोधन होता है। हमास के आतंकवादी की मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने केरल पर सरकार पर सवाल उठाए, साथ ही यह भी पूछा कि रैली में हमास आतंकवादी की मौजूदगी को लेकर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी चुप क्यों हैं? क्योंकि तो इंडिया अलायंस का पार्ट है। तो उधर केरल के मुख्यमंत्री पी विजय ने साफ कर दिया कि हमास की रैली में जो आतंकवादी बोला ना, वो तो लड़ाका था, फिलिस्तीन का लड़ाका था। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार फिलिस्तीन का समर्थन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की कोशिश कर रही है, ये सब वो केरल में नहीं होने देंगे क्योंकि वो हमेशा फिलिस्तीन के साथ हैं। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, पूरी खबर आप समझ पाएंगे। Means by both the Congress and the left in Kerala, and I said this in the context of the Hamas chief being given an opportunity with no intervention by the government of Kerala or indeed the Kerala police to address a large gathering of youth. When an organization like Hamas is allowed to preach hatred and jihad in Kerala, it is free speech, but we are communal, we are the Vargiyavadi. जहां के सांसद श्रीमान राहुल गांधी हैं जिस राज्य से, उनका कुछ ना बोलना इनकी चुप्पी साफ दिखाती है। कांग्रेस चुपचाप इनको समर्थन कर रही है। अब वहां पर बम धमाके होते हैं, निर्दोष लोगों की जान जाती है, भारत में बवाल खड़ा करने की बात की जाती है। आखिर ये कौन लोग हैं जो बाहर से यहाँ पर फसाद करवाना चाहते हैं? അത് കേരളത്തിൽ നടക്കില്ല, പാലസ്തീന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും നിന്നിട്ടുള്ളത്, രാജ്യം നിന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോയിട്ടുള്ളത്, അത് വേറൊരു ഭാഗം. ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്കല്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയും നടപടികൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ആ അത്ര മാത്രമേ അതിൽ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हमास तो बहुत दूर है भाई, हमसे 4,500 किलोमीटर दूर बैठे हैं वो लोग। ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारे आसपास हमास है, आपको बस एहसास करने की ज़रूरत है और हमास का एहसास होगा आपको, आसपास हमास का एहसास होगा। ये लोग जो केरल में बैठकर हमास के आतंकवादी का भाषण सुन रहे हैं,
ये सारे पोटेंशियल थ्रेट हैं सोसाइटी के लिए। अब देखिए अरनाकुलम मामले की जांच एनआईए और एनएसजी भी कर रही है। हम लोग के कथित आरोपी डोमिनिक मार्टिन के बारे में जो दावा केरल पुलिस कर रही है उससे लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से अभी तक कुछ भी निकाला गया, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। हालांकि कनेक्शन स्थापित अभी नहीं हुआ है। केरल पुलिस भी इतना ही कह रही है कि भाई इस व्यक्ति के दावों की जांच की जा रही है, पर बड़ी बात यह है कि जिस पैमाने पर यह ब्लास्ट हुए उन्हें किसी एक व्यक्ति के लिए अपने दम पर अंजाम देना आसान बात नहीं है। राष्ट्रीय एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं इन धमाकों के पीछे कोई और तो नहीं था। अब सुनिए जो बताने जा रहा हूं। न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बम धमाकों में इस्तेमाल हर एक बम को बनाने के लिए करीब 5 लीटर पेट्रोल और प्लास्टिक के पाउचेस का इस्तेमाल किया गया। आईईडी यानी कि इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस को पैक करने के लिए जूट के थैले का इस्तेमाल हुआ। बमों को ट्रिगर करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद ली गई। करंट पहुंचाने के लिए मोबाइल से कॉल, मतलब ठीक वैसे जैसे आप लोग देखते हो ना कई फिल्मों में जिस तरह से कभी कभी होता है, और बमों में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होने की बात भी सामने आई है। अभी अकेला कर लेगा सब कुछ। इन बमों को जूट के थैलों में बंद करके जानबूझकर कुर्सियों के नीचे रखा गया था जो कपड़ों से ढकी थी ताकि आग ज्यादा से ज्यादा फैले। प्लास्टिक की कुर्सियों के नीचे बम इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि ऐसा करने से धमाकों के बाद प्लास्टिक की कुर्सियां पिघल जाती और आग फैल नहीं पाती। धमाका करने वालों का इरादा पूरे कन्वेंशन सेंटर को जलाकर राख कर देने का था। अब आप सोचिए एक बार को, उस जगह पर यहोवा ईसाई समुदाय के करीब 2000 लोग मौजूद थे, और अगर आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते, पूरे प्रार्थना गृह को आग के हवाले करने में सफल हो जाते तो कितनी जाने जा सकती थी। इसलिए शक जाहिर किया जा रहा है कि यह धमाका किसी अकेले आदमी की हरकत नहीं है बल्कि ये किसी बड़े आतंकवादी संगठन की साजिश भी हो सकती है। बीजेपी की तरफ से दो बातों को 27 और 29 को जोड़ा जा रहा है, 27 को संबोधन, 29 को धमाका। हालांकि अभी तक कोई इशारों में जोड़ने की कोशिश, लेकिन सीधा कनेक्शन अब तक साबित नहीं हो पा रहा है। अब यहां से थोड़ी देर के लिए शक की सुई केरल में हमास की एंट्री की तरफ भी घूमती है। अच्छा, हमास की एंट्री तो हो ही चुकी है, हमास का आतंकवादी संबोधित कर रहा है, मतलब क्योंकि कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि धमाकों का मकसद केरल में रहने वाले यहूदियों के बीच डर फैलाना भी हो सकता है। केरल में मुट्ठी भर यहूदी भी नहीं रहते, लेकिन जिस कोची से कुछ किलोमीटर दूर ये ब्लास्ट हुए ना, वहां यहूदियों की एक छोटी सी आबादी रहती है, जिनकी आबादी भले ही 50-60 के आसपास है, लेकिन ये माना जाता है कि कोची के यहूदी भारत में सबसे पहले आकर बसे यहूदियों में से एक है। मैसेजिंग सोचिए आप, ये क्या ये हो सकती है, हमें नहीं पता। मतलब जो 12वीं शताब्दी या उससे थोड़ा पहले यहां आकर बसे, सबसे पहले भारत में यहूदियों पर मंडराते हुए खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने अरनाकुलम की घटना के बाद देश भर में चर्चों और यहूदियों के प्रार्थना घरों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत में, अब सुनिए, भारत में इसराइल के काउंसल जनरल ने केरल में हुए धमाकों से पहले मल्लापुरम की रैली में हमास आतंकवादी के दिखाई देने पर शक जाहिर किया है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। हालांकि 27 अक्टूबर के दिन हमास आतंकवादी का केरल की जनता को संबोधन, और उसके बाद केरल में जो ब्लास्ट हुए 3, जिसमें 3 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, उसका सीधा कनेक्शन अब तक सामने नहीं आ पाया। डोमिनिक मार्टिन की तरफ से हमले की जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन अभी तक इसको पूर्णतः पुष्टि भी नहीं की जा रही, हालांकि उसके दावे की भी जांच की जा रही है। वैसे इसराइल के काउंसिल जनरल का जो कह रहे हैं कि आतंकवादी का संबोधन और उसके बाद ये, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी, या भारत में हमास समर्थकों पर कार्रवाई की तैयारी भी जुट गई है। लेकिन एक काम करिए, आप काउंसिल जनरल को एक बार सुन लीजिए, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। इसराइल के काउंसिल जनरल, हमास के आतंकवादी का संबोधन और फिर आतंकवादी हमला, क्या कोई कनेक्शन है क्या? सुनिए इसराइल के काउंसिल जनरल को। First of all, I tell you, I've heard what Khaled Mashal said in front of a big sign, which was uproot a bulldozer in Dutvan. That's something which is disgusting. But I tell you more than that. What we expecting from India is something very, very clear, and I hope that they will do it, I think, to put Hamas in the list of the terrorist organization.
because what you see, what you hear in Kerala, this is something that you have to lead a red light. अच्छा, जिन्हें केरल की द केरल स्टोरी आईएसआईएस वाली पर भरोसा नहीं था ना, उन्हें ना केरल की द हमास स्टोरी पर शायद इसलिए भरोसा होगा क्योंकि जब ये लाइव संबोधन आतंकवादी कर रहा था ना, तो वो हिंदुत्व के भी खिलाफ था, बुलडोजर वाले हिंदुत्व के खिलाफ। जी हाँ, बुलडोजर वाले हिंदुत्व के खिलाफ, इरेडिकेट हिंदुत्व, इन सब के बैनर तले ये पूरा मंच और प्रपंच चल रहा था हिंदुत्व के खिलाफ। हमास का आतंकी वहां से जुड़ रहा है, मतलब आपने, लेकिन हमास ये इसराइल के काउंसल जनरल जो कह रहे हैं वो आपने सुना, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी अब भारत में हमास समर्थकों पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि भारत में ज्यादातर हमास समर्थक आईएसआईएस के स्लीपर सेल के सदस्य हैं, आसपास हमास। जांच एजेंसियों के मुताबिक केरल और कश्मीर में हमास समर्थकों को आईएसआईएस के स्लीपर सेल सक्रिय कर रहे हैं, यानी कि गाजा में हमास और इसराइल के बीच छिड़े युद्ध ने भारत के उन स्लीपर सेल को अपने बिलों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, और ये लोग हमास से हमदर्दी दिखाने की अपनी बेचैनी में खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, उनसे बात करिए, समझिए, हो सकते हैं आपके आसपास भी कोई हमास का हमदर्द बैठा हो और ऐसे ही लोग खुद को एक्सपोज कर रहे हो। जिसको एक्सपोज किया, जमाते इस्लामी हिंद की उस यूथ विंग ने जिसने 27 अक्टूबर को केरल के मल्लापुरम में हिंदुत्व को उखाड़ फेंकने वाले बैनर के साथ रैली की, जिसमें शामिल होने के लिए हमास के आतंकवादी को न्योता गया। हमास के आतंकवादी का न्योता, वो आया, उसने संबोधन दिया। जमाते इस्लामी हिंद की यूथ विंग भई है जो आतंकवादी याकूब मेमन को शहीद मानती है, वो याकूब मेमन जो 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का दोषी था, आतंकवादी याकूब मेमन जिस धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी, और ये जो आतंकवादी खालिद मशाल इस रैली में शामिल हुआ, जिसने भारत के मुसलमानों को यहूदियों और हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, वो खुद कतर में ऐशो आराम की जिंदगी जीता है।